इंदौर पुलिस अब समस्याओं को जल्द खत्म करने के लिए कैंप का आयोजन कर रही है और इस कैंप को डिस्पोजल ऑन स्पॉट कैंप का नाम दिया गया है। वहीं इस कैंप में आला अधिकारी बैठ रहे हैं और जिस केस की सुनवाई पूरी हो गई उसमें सभी अधिकारी आपस में बैठकर डिस्पोजल कर रहे हैं। अभी तक आपके सामने आपने विद्युत विभाग, जिला प्रशासन और अन्य विभाग के आला अधिकारी बैठकर शिकायतकर्ता की शिकायत का निराकरण करते हुए तो देखे होंगे, लेकिन इंदौर के पुलिस विभाग ने एक अलग प्रथा की शुरुआत की है और इसके तहत इंदौर प्रत्येक थाने पर एक कैंप का आयोजन किया जाएगा और इसी तरह के कैंप का आयोजन इंदौर के बाणगंगा थाने पर किया गया। बाणगंगा थाने पर कैंप को डिस्पोजल ऑन स्पॉट का नाम दिया गया। इस कैंप में आला पुलिस अधिकारी, एसडीएम और फॉरेंसिक विभाग के अधिकारी बैठकर पिछले केसों का निराकरण कर रहे हैं। ये बेसिकली पुलिस में कई सारी जो पेंडेंसीज होती हैं, मर गए, अपराध है, शिकायत जांच है, गुम इंसान जांच है, तो उसमें लगातार पुलिस फोर्स विभिन्न ड्यूटियों में, लॉ एंड ऑर्डर्स में और विभिन्न अन्य परिस्थितियों में इन्वॉल्व रहता है और ऐसे में दिसंबर लास्ट में डिस्पोजल के लिए हमारे सीनियर ऑफिसर असिस्टेंट मैडम का आदेश था कि डिस्पोजल के लिए सार्थक प्रयास किए जाएँ, तो उसके लिए वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशानुसार हम लोगों ने प्लान किया। मुख्य रूप से जो जो अधिकारियों की आवश्यकता होती है, जनरली उनके पास आईओ चक्कर लगाता है, देन उसके बाद डिस्पोजल हो पाता है, तो एक दिन में एक आईओ, एक ही डायरी कराने के लिए उसको चार जगह जाना पड़ता है, देन उसका फाइनलाइज होता है। तो हम लोगों ने प्लान किया कि क्यों ना जो भी डिस्पोजल के लिए आवश्यक नेसेसरी लोग हैं वो सब एक ही स्पॉट पर आ जाएँ, तो हम लोगों ने ये कैंप आज प्लान किया था जिसमें सभी आईओ बाणगंगा थाने के अवेलेबल हैं। यहाँ पे हमारे एसडीएम साहब, सीएसपी साहब, टीआई साहब, एफएसएल के जो हमारे जिला अधिकारी हैं मंडलोई साहब अवेलेबल हैं और जिला अभियोजन शाखा से जो एडीपीओ कौरव साहब हैं वो अवेलेबल हैं। तो जो कोई भी लीगल ओपिनियन कौरव साहब दे रहे हैं, कोई भी वैज्ञानिक एफएसएल का ओपिनियन जो है वो हमारे मंडलोई साहब एफएसएल अधिकारी हैं वो दे रहे हैं, डिपार्टमेंटल जो मार्गदर्शन है वो सीएसपी साहब और मैं, हम लोग दे रहे हैं और इस प्रकार से सभी चीज़ों का ऑन स्पॉट डिस्पोजल का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। वहीं बताया जा रहा है कि बाणगंगा थाने पर इस तरह के कैंप की पहली बार शुरुआत हुई है। वहीं बाणगंगा थाने पर सबसे अधिक मृग, चोरी और अन्य तरह के केस थे जिस पर सब इंस्पेक्टर को, आला अधिकारियों को जानकारी देनी होती है और इस दौरान काफ़ी समय खराब हो जाता है, अतः उस समय को बचाने के लिए इस तरह का प्रयास किया गया। इस प्रयास का असर यह हुआ कि एक ही दिन में 60 से अधिक केसों में सुनवाई हो गई, जो कि एक अच्छा प्रयास था। वहीं आला अधिकारियों का भी कहना था कि इस तरह के केसों में पुलिस का काफी समय खराब हो जाता है और पुलिस रूटीन का काम नहीं कर पाती है, अतः आला अधिकारियों के निर्देश के बाद इंदौर के बाणगंगा थाने पर इस तरह का कैंप लगाया गया और जिस तरह से रिजल्ट सामने आए उससे आने वाले दिनों में इंदौर के अन्य थानों पर भी कैंप के आयोजन किए जाएंगे। डायरीज पे डिस्कशन होना, लीगल डिस्कशन, साइंटिफिक डिस्कशन, डिपार्टमेंटल डिस्कशन, ये सारी चीज़ें हम लोग ऑन स्पॉट प्लान कर रहे हैं, तो ये एक सफलतापूर्ण कार्रवाई है और इस निश्चित डिसीजन को अभी एसएसपी मैडम भी यहाँ कैंप में पधारी थी, उन्होंने भी काफ़ी अप्रिशिएट किया है और उन्होंने कहा है कि इसको अन्य जगहों पर भी हम लोग रेप्लिकेट कराएंगे क्योंकि ये एक शॉर्ट टर्म में अच्छा डिस्पोजल करने, क्वालिटी डिस्पोजल चीज़ों का होगा क्योंकि उसमें विभिन्न अधिकारियों के जो एक्सपर्टीज़ है उसका हमें लाभ भी मिलेगा और डिस्पोजल हम लोग फरियादियों को बुला रहे हैं, उनसे बात भी कर रहे हैं, उनको फ़ोन से भी कॉल कर रहे हैं, तो सारी चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएंगी और एकदम क्लियर होकर डिस्पोजल फास्ट हो जाएगा, तो ये एक अच्छी उपलब्धि है और मेरे ख्याल से बड़ी सफलता इसके लिए। रिपोर्ट, खबर मध्य प्रदेश।